अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, तो फाइनली दिन आ चुका है, रिज़ल्ट आ चुका है। बट मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ पहले कि मैं आज रात को जब सोया हुआ था ना, तो मैं उठा हूँ सोए हुए ना मुझे ख्वाब आया, और मैं ना ख्वाब में क्या देख रहा हूँ कि मेरे ना 100 में से तकरीबन 65% मार्क्स आए हैं और मैं पास हो गई हूँ। अब आप लिटरली ये समझेंगे कि मैं शायद झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है कि जी ख्वाब में इतना गैस आपका छा कैसे लग गया ये वो, बट टू बी ऑनेस्ट बाय गॉड यकीन करें मेरे इतने ही नंबर आए हैं, ठीक है 65%, 1% ऊपर नहीं 1% नीचे नहीं यार। मतलब मैं सोच रहा था कि अभी मैं उठाऊँ, मैंने ग्लासेस भी वेयर किए हैं क्योंकि मेरी आईज जो है रात लेट से होया था तो मेरी आंखें फुल रेड हुई हुई हैं, ठीक है। आप बिलीव करें मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं फिर आपसे यही कहूँगा, आप शायद ये समझेंगे यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, अभी भैंकू है ये वो, बट यकीन करें मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे लिटरली 65% मार्क्स हैं। मैं आपको शो भी करवा दूंगा, अभी वीडियो में मैं वो आगे जाकर लगा भी दूंगा। अभी बस ये सीन है कि मैंने मम्मा को ना अपनी मेरी मम्मी को मैंने नहीं बताया हुआ, मैं उठा हूँ मुँह हाथ छुआ दो अपने आप को कंट्रोल में करके मैं ऊपर आ गया, मैंने कहा वीडियो पहले बना देता हूँ, उनके अभी रिएक्शन हम देखेंगे कि क्या हुए हैं घर जाके, अभी अंदर जाएंगे उनके, फिर उनसे मैं उनको पहले मैं ये शो करूँगा कि मैं फेल हो गया हूँ, तो देखो फिर क्या आता। बट मैंने मेरी पाकिस्तान घर पर बात हो रही थी तो उनको तो मैंने खैर बता दिया ना, मैंने कहा उनको मैं क्या सस्पेंस में रखूँ, बट ये कि इधर घर वालों को मैंने अभी तक नहीं बताया कि मैं पास हो गई हूँ, इनको मैंने भी ये कहना कि यार मैं फेल हो गया शिफ्ट यार ये वो, मुझे दोबारा पेपर देना पड़ना, तो कोई बात नहीं, तो फिर उनका रिएक्शन देखता, फिर मैं पापा को भी कॉल करूँगा, वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊँगा कि उनका रिएक्शन क्या हुआ। तो आए चलते हैं, बाकी थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब कर दिया। मैं बड़ा इस चीज़ की वजह से ज़रा परेशान था कि यार पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट इस तरह से यहाँ पे इस कैनेडा में आके था कि सीन पास होता हूँ नहीं होता, बट अल्लाह का शुक्र है कि मैं पास हो गया। थैंक यू सो मच आप लोगों का भी, आप लोगों ने मुझे बहुत विशेज की थी, बहुत ज़्यादा दुआएँ दी थी मुझे, तो थैंक यू सो मच आप सबका भी कि मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो आएंगे इस चलते हैं अब बगैर टाइम ज़ाया किए। माँ जी और रिजल्ट आ गया फेल, कह रहे हैं दोबारा से दो टेस्ट, तभी तुझे पता चल रहा था। वो मुझे मेरी तो गलती नहीं ना, उन्होंने कहा कि दोबारा दो, मैं क्या करूं, अब 200 डॉलर तू कहां से लेके आएगा फिर दोबारा, जैसे पहले आया तुझे कहा था कि वापस ना आए, कहां ना आए अंदर। अच्छा एक टेस्ट फेल वो लोग घर से निकाल दोगे? हां यार ये बड़ी बात है, मुझे ये बात याद रखनी चाहिए थी। अच्छा एक टेस्ट नहीं पास किया तो घर से निकल जाऊं मैं? हां जी। कहां जाऊं? जिधर मर्जी जा। ये क्या बात हुई? और ऊपर से तू वीडियो बना रहा, तुझे शर्म है ही नहीं कोई? तो वो मम्मा के फेल होके बंदा वीडियो पे बंदा माँ के साथ बात कर रहा हो, तो माँ जी वो आपको वीडियो तो बनानी थी ना, लोगों को भी बताना है कि क्या रिजल्ट आया क्या नहीं आया। बड़े फखर की बात है जो तूने खबरदार तुम लोगों को बताया तो क्यों? मेरी बिस्ती कराएगा उसमें आपकी क्या बिस्ती, मेरी बिस्ती? आज तक फेल नहीं हुआ तो फेल हो गया ले, ये क्या बात हुई? जैसे उम्मीदें लगाई हुई थी तो तू भी फेल होके बैठ गया, तो मैं क्या करूँ फिर? सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस टेस्ट, योर स्कोर वाज 65%। यकीन मेरी माँ को लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे आपके घर से बाहर निकाल दिया, दुख हुआ, मैंने कहा इससे उम्मीदें सारी लगाई हुई थी तो यार आपकी उम्मीदें मैं तोड़ देता हूँ, मैंने कहा आज तक फेल नहीं हुआ तो मेरे से उम्मीदें आपने लगाई और ना उम्मीदें तोड़ दी, तो वो
तो रिजल्ट ठीक नहीं था आया, कह रहे थे कि दोबारा टेस्ट दो। हाँ जी, नहीं मैं पागल हूँ कि आप लोगों से झूठ बोलूं। मैं अभी उठा था, मैंने चेक किया था, तो वो फिर नहीं था यार ठीक। तो वो फिर कह रहे थे कि दोबारा से मतलब आप जो है ना गेम टेस्ट दें, तो फीस वगैरह भी दोबारा से मतलब दें। तो मैंने कहा चलो, 65% नंबर आए हैं, मतलब 2-3% ऊपर चला जाता तो मैं पास था। मतलब ट्राई मैंने पूरी की है। पापा झूठ बोल रहा है, पास हो गया। पापा मैं पास हो गया हूँ। शक्ल तो ना तेरी गलत है, मैं पहले अंदाजा ला लिया सी तू बच्चा है मेरा। जी तो गाइस आपने देख लिया होगा घर वालों का क्या रिएक्शन था। सब जाहिर ही बात है, एक बंदा नया नया जब आता है यहाँ पे उससे फिर बड़ी उम्मीदें घर वालों की जुड़ जाती हैं, और इसलिए मेरे घर वालों की भी जुड़ी हुई थी, तो मैं भी बड़ा खुश हूँ। थोड़ा सेंटी हो गया था आज, बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है घर वाले खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया हूँ। तो बड़ी खुशी हुई मुझे आज फिर। तो ऑब्वियसली गाइस उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी सबकी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मुझे ये खुशी नहीं है कि मैं पास हो गया अपने लिए, जाहिर बात है करना तो मैंने अपने लिए ही है, कमाऊँगा तो। बट ये है कि इसके मेरे घर वाले खुश हो गए हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा कनाडा आने का मकसद ही पूरा हो गया। तो अब इंशाल्लाह कोई ना कोई जॉब अच्छी सी फाइंड करके, तो फिर अच्छी सी जॉब जो है उस पर काम करेंगे, तो फिर उसके बाद डॉलर कमाएँगे। हाँ गाइज, मेरा ना शुरू से यही सीन रहा हुआ है कि मैंने एक तो मेरी 2-3 आते थी, जो कि एक तो मैंने आपको पहले बता दी ना कि मतलब मैं चीटिंग वगैरह नहीं करता था। दूसरी मेरी सबसे बड़ी आदत ये थी कि मेरा बोर्ड का भी, पाकिस्तान में तो बोर्ड का एग्जाम्स होते हैं, मेरा बोर्ड का भी पेपर होता था ना, तो आप यकीन करें मैं झूठ नहीं बोल रहा कि मैं कभी भी ना कभी भी मैंने तैयारी नहीं थी की, मतलब एक दिन तकरीबन मैं बस तैयारी करता होता था। एक दिन पहले मतलब आप समझ लें कि मैं तैयारी पे बैठ जाता था, मतलब जो भी मतलब तैयारी वगैरह है वो मैं कर लेता था। ये मेरी शुरू से कहा था, ये नहीं कि मतलब मैं किताबी कीड़ा बन जाऊँ, पढ़ाऊँ सारा दिन पढ़ाऊँ, ये काम नहीं था मैंने कभी किया। एक दिन पहले बस एक दफ़ा नज़र मारी चलो जी, क्योंकि मेरी थोड़ी लॉजिक ये रहा हुआ कि जब मैं एक दफ़ा क्लास में मतलब सिलेबस पढ़ लेता था ना, तो मुझे वो भूलता नहीं था, ठीक है, मतलब मुझे वो भूलता नहीं था, मेरे जहन में वो चीज़ रहती थी। ये नहीं मैं कह रहा कि मैं बड़ा कोई बड़ा साइंटिस्ट था या कोई इस तरह की बात, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं था, बट ये था कि मेरा जहन में इतनी को रह जाती थी कि मैं एटलीस्ट पास हो जाता था। मेरा शुरू से लॉजिक ये था कि यार पास हो जाओ, मुझे ये नहीं था होता कि मैं बड़े कोई नंबर लूँ, बड़ा जनाब कोई 100 में से 101% नंबर ले जाऊँ, ऐसा नहीं था मेरा शुरू से ही मेरा सीन था। मेरा बस ये होता था कि यार मैं एटलीस्ट पास हो जाऊँ, फेल ना हूँ, मैं फेल होने की बस जो है ना वो ना होने की कोशिश करता होता था कि फेल नहीं होना मैंने, बाकी कोई टेंशन नहीं थी होती। तो गाइस बाकी आप लोगों से भी मैंने शेयर किया, सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये थी कि मैंने आप लोगों को अपनी फीलिंग्स बताई, घर वालों की बताई, घर वालों का प्रैंक, घर वालों के साथ एटलीस्ट एक प्रैंक ही हो गया ना। अब आप लोग मेरे लिए, जैसे आप लोगों ने टेस्ट की दुआ की थी, आप लोग मेरे लिए जल्द से जल्द एक अच्छी सी जॉब के लिए दुआ करिएगा कि मैं अच्छी सी जॉब एक फंड मिल जाए मुझे और मैं जल्द से जल्द उस पर लग जाऊँ। तो बाकी गाइज आज अभी फ़िलहाल तो सीन इतना ही है, फिर इंशाल्लाह आज का दिन सारा पड़ा हुआ, कोई नहीं जब सारे आएंगे फिर उनसे बात। Let's see what happens. Hopefully, we'll get very soon. Thank you, Mamu. Have a good day, Mamu. Thank you so much. जी तो गाइस ये फाइनली मेरे जो लैंडलॉर्ड थे, मेरे मामू हैं, मैं तो उनका मामू कहता हूँ, लैंडलॉर्ड तो कभी कहा ही नहीं, और वो बंगाली हैं, तो उनको ये नहीं था पता कि मतलब मामू हम उनको कहते हैं तो उन्होंने आगे हमें क्या कहना है, वो जनाब हमें वो भी मामू ही कहते हैं आगे से, यह मामू ओके मामू ओके मामू, वो बड़ी एक ना अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं कि देखो यार उनको इतना पता ही नहीं है, मतलब सो इनोसेंट ना, उनको पता ही नहीं कि क्या किस नाम से बुलाना और क्या बात करनी है। बाकी गाइस मैंने कहा चले ये भी आपको बताता हूँ दिखाता हूँ।